नमस्कार। आज हम पीठ दर्द को ठीक करने के लिए योगा करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रेरणा राजकुमार कोल्हे, योगा टीचर सरस्वती जी और सुवर्णा जी के साथ अब हम अभ्यास करेंगे योग संजीवनी का। वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हाथों को जमीन पर रखें और गर्दन को पीछे ले जाकर पीठ को सामने की तरफ प्रेस करें। हाथों की कोहनी जमीन पर रखें, दोनों हथेलियों में अपनी हनुठी को रखें और हाथों को जितना हो सके सामने ले जाएं। थायराइड से पीठ और पेट के दर्द से राहत मिले। अपना बायां पैर हाथों की सहायता से पीछे ले जाएं। हाथ फिर हनुठी के नीचे, गर्दन और पीठ में होने वाले तनाव को महसूस करें। अब अपना दाहिना पैर पेट के नीचे से निकाल कर बाजू में रख दें। पूरा ध्यान शरीर में आने वाले तनाव पर रखें। अब दाहिना पैर सीधा कर ले और अपनी हथेलियों के बीच हनुटी को रखते हुए अपनी कोहनियों को जितना हो सके सामने की तरफ ले जाए। तनाव को महसूस करें। दोनों हाथों को मोड़कर सिर की तरफ रखें और सिर को हाथों पर रखकर रिलैक्स हो जाए। बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हाथ फिर हनुटी के नीचे, कोहनियां फिर सामने फैलाए। अब हमने जिस तरह से ये पोजीशन ली थी उसी तरह से हमको वापस आना है। फिर कोहनियों को नजदीक ले। अब बायां पैर मोड़कर पेट के बाजू में रख। बहुत रिलैक्स महसूस होता है। अब हाथों की सहायता से अपने बाएं पैर को पेट के नीचे ले जाएं। हाथ फिर उसी अवस्था में। अब अपने दाहिने पैर को पेट के नीचे रखें। वज्रासन की अवस्था में कोहनियां नीचे जमीन पर। अब कोहनियों को नजदीक लाते हुए हथेलियों को जमीन पर घुटनों के सामने रखते हुए पीठ को प्रेस करें और छत की ओर देखें। वज्रासन में बैठे संजीवनी क्रिया के अनगिनत फायदे हैं। रिलैक्स महसूस करेंगे। योग संजीवनी में 12 अवस्थाएं हैं जिनका अपना एक साथ और अलग अलग भी बहुत महत्व है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ हम तीनों आपको तीन अलग अलग अवस्था बता रहे हैं, जो आपको संभव हो वो करें। बैलेंस बना के रखिए। धीरे से अपनी पोजिशन पे आए, लंबी सांस ले और धीरे से छोड़। सरस्वती जी आपको आसान वाला आसन बताएंगे जो कि बिगनर्स कर सकते हैं। पैरों के घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, हाथों को फोल्ड करेंगे और पीछे जितना हो सके झुकेंगे। बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए है। और एक वेरिएशन है जो बिगनर्स के लिए है, उसी अवस्था में बैठते हुए पैरों के टखनों पे हाथ रखेंगे और हो सके उठने की कोशिश करेंगे और पीछे झुकेंगे। अब मैं दिखा रही हूँ आपको, जो हाथ उठाकर बैलेंस नहीं कर सकते हैं उनके लिए। सुवर्णा जी दिखा रहे हैं जो एक्चुअल होना चाहिए,
हाथों को सामने से पीछे की ओर लेके जाएंगे और जितना हो सके पीछे झुकेंगे। ये भी आसन थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेट जाए, दोनों हाथों को छाती के पास रखें। ये सरल हस्त भुजंगासन है और सांस लेते हुए ऊपर उठे, छाती और पेट का हिस्सा ऊपर उठाए। हम तीनों आपको तीन अलग वेरिएशन भुजंगासन के दिखा रहे हैं। सुवर्णा जी आपको कर्ण हस्त भुजंगासन दिखा रही है, मैं आपको सरल हस्त भुजंगासन दिखा रही हूँ और सरस्वती जी आपको कटिहस्त भुजंगासन दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं सुवर्णा जी के हाथ कान के पास है और वो अपनी छाती और पेट को गर्दन का हिस्सा उठाकर ऊपर की ओर छत की ओर देख रहे हैं। आप मेरे हाथ देख सकते हैं, छाती के बाजू में है और हमने पेट, छाती और गर्दन का हिस्सा ऊपर की ओर सांस लेते हुए उठाया है। हम सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। आपके हाथों की भी शक्ति इससे बढ़ती है। अब हम सरस्वती जी को ऑब्जर्व करेंगे। उन्होंने अपने हाथ कमर के नजदीक रखे हैं और सांस लेते हुए पेट, छाती, गर्दन का हिस्सा ऊपर उठाया है और सांस छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। बहुत ही उपयुक्त आसन है और सबको करना चाहिए। अब हम करेंगे मार्जरासन। वज्रासन में बैठे, घुटनों के बल खड़े हो जाए, हाथों को नीचे रखें, कैट या काउ की तरह पोज लें, गर्दन को ऊपर उठाएं, कमर को नीचे की तरफ जितना हो सके प्रेस करें। अब गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं, पीठ को जितना हो सके ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इसमें जालंधर बंध अपने आप बांधा जाता है। क्रिया को कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करें। बहुत ही आसान और फायदेमंद आसन है और जिनको पीठ, कमर की तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, उन्हें आसन जरूर करना चाहिए। नॉर्मल पोजीशन में आए, सेतु बंधासन। पीठ के बल लेट जाए, सावधान अवस्था। पैरों को घुटनों से मोड़ ले, हाथों से टखनों को पकड़ने की कोशिश करें। कमर को जितना हो सके उतना ऊपर उठाए, थोड़ी देर होल्ड करें और रिलैक्स करें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा और आप हेल्दी लाइफ जिएंगे। सभी हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।